हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया है वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड किया गया है, और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको आने वाले परीक्षा में भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, लिंगराज मंदिर कहाँ में स्थित है? ऑप्शन है मदुरई, तिरुचेंदूर, भुवनेश्वर या फिर उज्जैन। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। दोस्तों, यह जो आपका लिंगराज मंदिर है, यह स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह मंदिर आपकी 10वीं शताब्दी में किंग जजात केसरी के द्वारा बनवाया गया था। तो कई बार आपसे एग्जाम में स्टेट न पूछ करके यह पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो आप लोग याद रखना, किंग जजात केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के भुवनेश्वर में करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, 2022 में इंडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो भी आपके बाघ बची हुई हैं उन सभी को रिजर्व करके सुरक्षित रखना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका प्रकाशन का किया था? दोस्तों, जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रहते थे तो उस समय उनके द्वारा वहां पर इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह जो आपकी इंडियन ओपिनियन है, यह कब प्रकाशित की गई थी? तो यह प्रकाशित किया गया था 1903 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? दोस्तों, एक अधिवेशन हुआ था 1901 में, जिसे नाम दिया गया था कलकत्ता अधिवेशन, और यही पहला मौका था जब महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। यहाँ पर बात करें दोस्तों 1901 के अधिवेशन की, तो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष का नाम था दिनेश सौ वाचा। तो आप लोग नाम भी याद कर लेना, हो सकता है आपके प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा जाता है। क्वेश्चन यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी पहली बार इसके प्रेसिडेंट बने थे? तो दोस्तों, 1924 में एक बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को INC का पहली बार और आखिरी बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? दोस्तों, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसी समय साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में बनाया था, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, एक और आश्रम के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फोनिक्स आश्रम था, ठीक है, यह आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा कब और कहाँ में बनाया गया? तो दोस्तों, यह जो आपका आश्रम है वो 1904 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के डरबन में बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ, इसका मेजबानी किस शहर ने किया था? दोस्तों, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इसकी मेजबानी की थी बर्मिंघम में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें पहले पोजिशन पर आया है ऑस्ट्रेलिया, जिसने टोटल 178 मेडल्स जीते हैं। और अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 4th है, और इंडिया के खाते में टोटल 61 मेडल्स आए हैं, सिल्वर गोल्ड एंड मेडल तीनों को मिलाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर,
निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? दोस्तों, जो एरवदा जेल है, इस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। और अगर बात करें एरवदा जेल की, तो महात्मा गांधी टोटल 3 बार यहाँ जा चुके थे। पहली बार 1922 से लेकर 1924 के बीच में, दूसरी बार यहाँ पर गए थे 1932 के में, और तीसरी बार गए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के बारे में बात की जा रही है, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, 2022 का तो मानवाधिकार दिवस अभी तक मनाया नहीं गया है, लेकिन अगर 2021 की बात करें, तो 2021 में जो आपका ह्यूमन राइट डे मनाया गया था, इसका थीम था डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसका थीम पूछ लिया जाए, इसलिए आप सभी लोग याद रखना। और जब 2022 में 10 दिसंबर को यह आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, तो इसका भी थीम आप लोग याद रख लेना, आपके एग्जाम के लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, जब भारत में जनता पार्टी का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद वे भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, शिप्रा पथ पुलिस थाना किस जो कि संसार में सर्वोत्तम थाना माना गया है, कहाँ पर आता है? तो दोस्तों, यह जो आपका शिप्रा पथ पुलिस थाना है, यह आता है आपके जयपुर में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो यह ई बुक मैंने आपके एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया है, जिसमें आपको जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और फिर आपको एयरफोर्स एग्जाम के लिए इन तीनों ही सब्जेक्ट में कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग इस ई बुक को परचेज करेंगे, उन्हें अभी ऑफर के तहत एक एसएससी जीडी का भी ई बुक दिया जाएगा, जिसमें आपके 10,000 से भी ज़्यादा टॉपिक वाइज जीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इस ई बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर लें, या फिर आप मुझे मैसेज करना 9430042848 इस पर व्हाट्सएप करना, यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का अभी तक का सबसे बड़ा साइज होता है 8 टो 2 बाइट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की छोटे क्रम से बढ़ते क्रम में, तो देखिए, सबसे पहले आपका ऊपर में आ जाएगा बाइट, बाइट के ऊपर भी होता है बी, ठीक है, बीट हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर आपका किलो बाइट होगा, इसके बाद मेगा बाइट आता है, फिर इसके बाद गीगा बाइट आता है, फिर इसके बाद आपका टेरा बाइट आएगा, फिर आपका पेटा बाइट आता है, पेटा बाइट के बाद आ जाता है आपका इक्सा बाइट, इक्सा बाइट के बाद आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर जेटा बाइट, और जेटा बाइट के बाद आपका सबसे लास्ट में आता है योटो बाइट। तो इसी योटो बाइट के बारे में यहाँ पर आपसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। इस सीरीज को आप लोग याद रखना, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और इसी तरह के मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? दोस्तों, आपके नॉलेज के मैं बता दूं कि जो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान ही भूख हड़ताल को सबसे पहले हथियार के रूप में अपनाया था, और यह जो अहमदाबाद का हड़ताल है, यह आपका 1918 में किया गया था। जबकि दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी का सबसे पहला हड़ताल कौन सा था? तो पहला आंदोलन था दोस्तों 1917 में बिहार में चंपारण के जिले में, जो आपका आंदोलन चला था वो, और वो किसके खिलाफ चला था? तो नील के खेती के खिलाफ चला था। और यहाँ पर दोस्तों, बिहार में महात्मा गांधी को इनवाइट किसने किया था आंदोलन करने के लिए, यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा आता है। तो इनका नाम था दोस्तों शिव प्रकाश, शिव कुमार शुक्ला, ठीक है, यह नाम आप लोग याद रखना, शिव कुमार शुक्ला ने यहाँ पर बिहार में इनवाइट किया था महात्मा गांधी को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? इनका नाम है दोस्तों अर्जुन वाजपेयी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई थी? दोस्तों, विश्व का पहला रोबोट का नाम है सोफिया, जो कि एक लेडी रोबोट थी, और इसे नागरिकता प्राप्त हुआ था सऊदी अरबिया का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी?
दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था ना, यह आपका आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप कमेंट करके बताना कि आज आपके 15 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोग वीडियो समाप्त करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।